यहाँ पर हमने क्या करे, एक बॉटल लिए, एक बॉटल के अंदर जो है पानी भरे और इसके अंदर जो है ना एक यहाँ पर ऊपर में एक जो है सुराख करें, इसके बाद बीच में एक सुराख करें और नीचे जो है एक सुराख करें। और जैसे ही हमने जो है ना पानी ओपन करेंगे, खोले हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो नीचे वाले हिस्से में यानी सी वाले हिस्से में सबसे ज्यादा है, जबकि बी वाले हिस्से का जो है प्रेशर वो कम है और ए वाला तो बिल्कुल ही कम है। इसकी वजह क्या है? दबाव। यानी लिक्विड यानी पानी क्या कर रहा है, माय क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दबाव किसका? सी का। उससे कम? ए का। कम? ए का। अब क्यों ऐसा? ए में यहाँ पर देखो कि ए का प्रेशर सिर्फ इतना ही पानी, जितना ए के ऊपर के ढक्कन तक पानी है इतना ही प्रेशर ए के ऊपर लगाएगा, इसलिए इसका प्रेशर कम है। बी वाले हिस्से में यहाँ से यहाँ तक का जो पानी है वो उतना ही दबाव जो है डाल रहा है, इसलिए ए से ज्यादा बी का। लेकिन आप देख रहे हैं सी वाले हिस्से में, सी वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का पानी, यानी पानी ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, यानी पानी का दबाव भी जो है वो ज्यादा है, एरिया ज्यादा है इसका। आए बी क्या करता है? इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर भी माय है, लिक्विड है, खून। तो क्या खून भी हमारे जिस्म के अंदर दबा डालता है? यस सर। जिस तरीके से पानी नली के ऊपर दबाव डाल रहा था बिल्कुल वैसे ही खून भी क्या करता है? दबाव डालता है, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर कहते हैं। और एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता, कम हो गया तो लो ब्लड प्रेशर कहलाता। कैसे जो निकालता है हम वो देखेंगे प्लीज।